हाय गाइस, दिस इज विशाल और आज हम बात करेंगे हिंदी में और एक नया टॉपिक जो बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है टेक्निकल एनालिसिस में और हमारे जो सेवन स्टेप एनालिसिस है स्टार ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम और सेंटिमेंट। ये सेवन स्टेप्स है जो हम काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे फ्री वीडियो किए हैं मैंने फेसबुक पर, वो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो, और उसमें हमने RSI, बॉलिंजर बैंड, ADX, कैंडलस्टिक, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। लास्ट टाइम एक ऑप्शंस का भी किया था। काफ़ी कोई हिंदी में है, कोई इंग्लिश में है, मिक्स भी कर रहे हैं और काफ़ी वेबिनार्स हो रहे हैं, और आज हम और एक वेबिनार करने वाले हैं स्टार ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे। तो आप अगर फ्री वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो और आज रात को 10 बजे malkanstarcall.com पे आप वेबिनार रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा और पहले वाला वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी वहां पे लगा हुआ है। सो मेक श्योर यू वॉच द वेबिनार, मेक श्योर यू कम फॉर द लाइव वेबिनार टुडे। और आज हम बात करेंगे एक ही बहुत ही पावरफुल टूल जो टेक्निकल एनालिसिस में है, उसको बोलते हैं फिब रेशियो और फिबोनाची रेशियो, और लियोनार्डो फिबोनाची ने बहुत पहले उसको इन्वेंट किया था, और वो स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करते हैं और उसके बहुत सारे तरीके हैं, फिब रिट्रेसमेंट, फिब प्रोजेक्शन, फिब एक्सटेंशन, फिब एक्सपेंशन, फिब टाइम एनालिसिस, फिब आर्क। सो बहुत तरीके से लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो कि हमारा तो एक ही काम है, उसको सिंपल तरीके से यूज करेंगे ताकि सब अप्लाई कर सके और सब उसको यूज कर सके और काफी इफेक्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में आता है। तो पहले तो आपको लगता है कि अगर ये वीडियो काम का रहेगा और आपको ज्यादा इनका जानकारी मिलेगी मार्केट के बारे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करें और काफी लोगों को टैग भी कर सकते हो आप इसके अंदर। तो जैसे ही ये, और अगर वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो तो malkanstarcall.com पे रजिस्टर करें। सो चलो अब ये बात करते हैं कि पहले ये फिबोनाची रेशियो जो है वो आया कहाँ से और उसके कैलकुलेशंस कैसे है, और मे बी इसको और आगे हम एक सीरीज ऑफ वीडियो बना सकते हैं, जैसे हमने बॉलिंजर बैंड पे बनाया, ADX पे बनाया, RSI पे बनाया। तो फिबोनाची का जो बेस है पहले उसको कवर कर लेते हैं कि कैसे फिबोनाची रेशियो इन्वेंट हुआ और किसने किया। तो जैसे मैंने बताया, लियोनार्डो फिबोनाची ने 12th century में फिबोनाची रेशियो, फिबोनाची सीरीज का इन्वेंशन किया था। एक न्यूमेरिकल सीरीज है, नंबर की एक सीरीज है जो जैसे एक के बाद है। सो पहले हम देखते हैं कि समझो हम पहला एक जो नंबर होता है वो है 0। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं आपके साथ और एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर अगर आपको नंबर दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट करें, नहीं तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा सकता हूं। सो काफी या आप अगर स्क्रीन देख सकते हैं और मैं उसके ऊपर अभी टाइप करना शुरू कर रहा हूं, 0, उसके बाद पहला नंबर आएगा 1 और 0, और अगर मैं चेक कर रहा हूं कि मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर पहला नंबर है 0 उसके बाद है 1 और उसके बाद 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2, वैसे 2 और 1 3। सो लास्ट दो नंबर को ऐड करते करते हम उसको नंबर्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा फिबोनाची सीरीज। और अगर वो शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है ये एक्सेल शीट का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, और लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी फिबोनाची सीरीज कैसे देखा जा सकता है। तो मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, और ये हो गया आपका चार्ट। ओके, सो फिबोनाची सीरीज में जो नंबर्स होते हैं, जो सीरीज ऑफ नंबर है 0, 1, 1, और लास्ट दो नंबर को जो ऐड करेंगे उसके वजह से हमको जो तीसरा नंबर मिलेगा वो पूरा एक सीरीज बन जाएगा। तो फिब नंबर्स में सीरीज कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, तो ये जो पूरा सीरीज है उसको फिब सीरीज बोलते हैं हम, फिब नंबर्स का सीरीज है। और उसके उसमें क्या खासियत है, और उसमें एक गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो क्या है, कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे 8 by 13, 13 by 21, 21 by 34, 34 by 55, तो वो एक ही रेशियो देता है जिसको बोलते हैं हम 61%।
61% is known as the golden ratio of technical analysis, कि वो सब जगह पे यूज होता है, ना ही खाली मार्केट में बट दुनिया भर में पूरे यूनिवर्स में यूज होता है, वो गोल्डन रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ताकि हम और वो सब जगह पे उसको एक इक्विलिब्रियम का देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी वो 61% है, कैसे, जैसे हमारा जो पूरा हाथ है और उसका जो बीच में जो एल्बो होता है वो 61% है फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर, ताकि वो हम इसको यहाँ पे यूज कर सके, वो 50% पे नहीं है। इमेजिन अगर 50% पे होता तो हमारा हाथ कैसा होता। वैसे ही हमारे बॉडी में जो सेंटर पॉइंट है, नेवल, नेवल को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभि, नाभि पे 61% है, नाभि से लेके टिप ऑफ योर टो इज 61%, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में 61% का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और काफी टाइम स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये जो इंडाइसिस है वो 61% पे काफी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हम अब देखेंगे और दूसरे भी रेशियो है, 61%, 50% और 38%, ये दोनों भी फिब नंबर से ही कैलकुलेट करके आते हैं। तो पहले हम इसको चार्ट पे, अभी आपको मुझे मेरा चार्ट दिख रहा होगा, तो मैं पहले आपको एक रेशियो दिखा देता हूँ कि कैसे ये कौन से रेशियो है। सो हम बेसिक से शुरू करेंगे, आज समझो हमने बेसिक कवर किया लेवल्स को, कल इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे यूज कर सकते हैं, और आज के वेबिनार में भी मैं फिबोनाची का थोड़ा सा डीप में जाके आपको एडवांस लेवल पे सिखा सकता हूँ। तो आप डेफिनेटली रजिस्टर करिए malkanstarcall.com पे। सो एक हो गया 38%, एक हो गया 50% अगर, और एक हो गया 61%। तो इसको, ये तीन रेशियो हम रिट्रेसमेंट्स के लिए यूज करेंगे, जो काफी टाइम इतना पावरफुल और इतना इफेक्टिव हो जाता है कि हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं चार्ट में। और फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि कहां कहां पे इसका यूज हो सकता है, इसको डे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन रेशियो जो है उसको दिख, ये वाले रेशियो दिखेंगे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आप चाहते हो, सोचते हो कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन रहेगा, तो आप इसको जरूर शेयर करें और फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, और इसका लिंक कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं। और आज का वेबिनार मिस मत करिए, आज हम फिबोनाची के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, इसके अंदर malkanstarcall.com के में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी आपको ये रेशियो दिख रहा है 38%, 50% और 61%, और इसको हम फिब रिट्रेसमेंट की तरह यूज करेंगे। तो देखिए आप, अगर यहाँ पे एक टूल है फिब रिट्रेसमेंट, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मुझे उसके ऊपर 38%, 50% और 61% को क्लिक करना है, बाकी सबको मैं ऑफ कर दूंगा और इसको मैं ऐसा डिफॉल्ट सेटिंग कर दूंगा सेव एज। और आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, कोई भी वेबसाइट यूज करें, सभी जगह पे फिबोनाची रेशियोज अवेलेबल होंगे। बेसिक से बेसिक टूल है और उसको कैसे पावरफुली यूज कर सकते हैं वो हम बात करेंगे आज। तो ये रेशियोज को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक स्विंग पकड़ते हैं चार्ट का, लेट्स से निफ्टी, और निफ्टी का हमने एक वीकली चार्ट यूज करते हैं, और यहाँ पे जाते हैं पिछले वाले चार्ट में जाके देखते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सकता है कैसे यूज कर सकते हैं इसको। सो लेट्स सी दिस, ये जो हमारा मूव है इसको हम मार्क करेंगे, ये हो गया ए टू बी, ये हमारा एक मूव इसमें कवर हुआ, और इसका कितना रिट्रेसमेंट यहाँ पे लेके सपोर्ट लेता है, तो ये फिबोनाची रेशियोज को रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। और ये हमको दिखाई दे रहा है कि एकदम 50% रेशियो पे 50% रिट्रेसमेंट में आके रुका और वहां से उसने बाउंस दिया, राइट। इसको हम कैसे फिर से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि कैसे यूज करते हैं। ये फिप को टूल को सिलेक्ट किया, नीचे से इसको पकड़ा और ऊपर तक ड्रैग किया, तो वो एकदम 50% रिट्रेसमेंट पे आके रुका। और ये 50% पे आएगा मतलब उससे हमको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट मालूम पड़ा तो हम वापस वही 7 स्टेप यूज करेंगे, प्राइस, ये सपोर्ट पे आके प्राइस कैसे बिहेव करता है और पैटर्न क्या बनाता है। जैसे इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया दो बार, एक तो हैमर बनाया और एक फिर से बुलिश एंगल्फिंग बनाया, मतलब ये सपोर्ट अपना काम कर रहा है।
उसके बाद हम अपना काम करेंगे, हमको क्या काम करना है, बाय करना है। तो सपोर्ट पे आके प्राइस उसने कैंडलस्टिक बुलिश बनाया। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, आरएसआई मोमेंटम, 40 पे सपोर्ट लिया उसने दोनों बार, मतलब मोमेंटम भी सपोर्ट कर रहा है, प्राइस भी सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम चाहे तो वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले वाले जो बुलिश हैमर था, जो जिसको हम हैमर बोलते हैं, एक कैंडल पैटर्न जो शैडो वाला है, उसके ऊपर उसका काफी ज्यादा वॉल्यूम था, मतलब हैमर इज अ डिमांड इज अ बुलिश कैंडल विद वाइट विद बिग वॉल्यूम। और जब पहला बॉटम बन रहा था तो वॉल्यूम थोड़ा हाई था, दूसरा बॉटम बना तो वॉल्यूम थोड़ा लो था, मतलब वॉल्यूम डाइवर्जेंस हो गया। सो प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम भी सपोर्ट पे है। अब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो बॉलिंजर बैंड भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है। और ये चीज हमने लास्ट वाले बॉलिंजर बैंड में भी सीखा था, डब्ल्यू पैटर्न, एक बाहर पैटर्न बनाता है एक अंदर, आउटसाइड इनसाइड, तो ये भी कंफर्म कर रहा है। सो प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम वॉलेटिलिटी, पांचों चीज का कंफर्मेशन मिल गया। तो ये हमारा जो ट्रेड बनता जा रहा है वो भी 5 स्टार से 7 स्टार की ओर जा रहा है, और टाइम और सेंटिमेंट को भी हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक बार एक और एक वीडियो करेंगे। तो ये जो, और उसके बाद मार्केट में जो हमको उछाल देखने को मिला यहाँ से, वो काफी अच्छा था। तो अगर इस तरह से हम एनालिसिस करें 7 स्टार और 7 स्टेप, तो हमारे मार्केट में विप्सो या लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% गारंटी है या टूल है या जो हर बार सपोर्ट लेगा ही, कोई सपोर्ट तोड़ भी सकता है, लेकिन जितना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, जितना प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम वॉलिटिलिटी को ज्यादा स्ट्रेस सब मिला के काम करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे, और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कितना कम हो जाता है, रिस्क कितना कम है और सामने रिवॉर्ड पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये एक पावरफुल फिबोनाची टूल है जो 50% पे 61% पे, और ये इसमें और भी डीप में जा सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको बहुत सारे टूल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 1, 2 या 3 टूल या सारे जो है प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम में एक एक टूल के अंदर डीप में जाके स्टडी करोगे तो आपका एनालिसिस और स्ट्रांग हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, आप बहुत सारे चार्ट को प्रैक्टिस करो, और इसके ऊपर कोई बात चलेगा कोई बात नहीं भी चलेगा, तो ये भी समझ में आ गया कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी ये 7 स्टेप मिल जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड होता है, कभी 4 ही चीज मिलती है तो कम क्वालिटी वाला ट्रेड हो जाता है। सो ये स्टार ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हम काफी दिनों से इसको सिखा रहे, काफी सारे वीडियो हो चुके हैं हमारे, और इसके ऊपर आप इसको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज का फ्री वेबिनार जो रात को 10 बजे होगा मलकानस्टारकॉल.com पे, उसको मिस ना करें। उसमें हम फिबोनाची में और डीप में जाएंगे, उसमें हम क्लस्टर ऑफ फिबोनाची कैसे ढूंढ सकते हैं, फिबोनाची से हमको क्या पता चल सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में। तो ये जरूर वेबिनार आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आज आपको कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को भी बिल्कुल शेयर करें। ये एकदम बेसिक वीडियो था, इसके बारे में और बात करेंगे अगले कुछ वीडियो में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, लेट्स सी यू एट टुडेज वेबिनार एट 10 PM मलकानस्टारकॉल.com। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड ट्रेडिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।